हेलो प्यारी बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 के भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित गद्यांश का अध्ययन करेंगे, जिसमें उन्होंने भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है उसका जो उल्लेख किया है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दो गद्यांश की हम लोग व्याख्या पढ़ चुके हैं, ये तीसरा गद्यांश है। इसमें जो रेखांकित रहता है उसी की व्याख्या करने के लिए आता है, लेकिन हम पूरी पूरी व्याख्या आप लोग को बताते जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या नीचे दे दी जा रही है, उसे पढ़ने में याद करने में भी आसानी रहेगा। और जिस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी तरह की व्याख्या दी हुई है, उसी से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, सब उन्नतियों का मूल धर्म है, कह रहे हैं हरिश्चंद्र जी कि पहले उन्नति करना है। हमारा भारतवर्ष धर्मों का देश है, यहाँ पे अनेक धर्म के लोग, अनेक धर्म से जुड़े हुए लोग रहते हैं, तो पहले हम क्यों ना धर्म की ही उन्नति कर लें। जब हम धर्म की उन्नति कर लेंगे तो हमारा देश वैसे ही उन्नति कर लेगा, क्योंकि यदि कोई भी बात धर्म से जोड़ दी जाती है तो उसे लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, और धर्म से संबंधित यदि बात न हो तो उसे स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी जो तुलसी का पौधा है, उसे ये माना जाता है कि ये एक पवित्र पौधा है और हिंदुओं के घर में रहना जरूरी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तुलसी तो पवित्र पौधा इसलिए है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन निकलता है, और उस पौधे को धर्म से जोड़ दिया गया। धर्म से जोड़ने के कारण लोगों ने उसे घर में लगाना शुरू किया, और घर में रहने से अच्छी हवा, अच्छे ऑक्सीजन की प्राप्ति होने लगी। यदि धर्म से न जोड़ा गया रहता तो हो सकता है कि उसके महत्व को कोई न जानता। पीपल का पौधा है, नीम का पौधा है, ये सब गुणकारी पौधे हैं, इसलिए इनको धर्म से जोड़ दिया गया। पीपल के पत्ते को नहीं तोड़ना है, इस पे देवी देवता का वास होता है। नीम के पत्ते को नहीं तोड़ना है, इसे लगाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि नीम भी एक गुणकारी औषधि है, तो धर्म से जोड़ने पर इसका महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कि यदि अपने देश की उन्नति करने हैं तो पहले मूल, जो मूल रूप से है, हम पहले धर्म की ही उन्नति कर लेते हैं। इससे सबके पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली है। जब अंग्रेज यहाँ आए तो सबसे पहले उन्होंने धर्म की नीति, यानी जो धर्म से जुड़े हुए लोग थे, पहले उनको बढ़ावा दिया, और उसके बाद राजनीति की, फिर अंग्रेजी को बढ़ावा मिला। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है, इसीलिए उनकी दिन प्रतिदिन उन्नति होती गई। उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो, अंग्रेजों की बात छोड़ दो, अपने यहाँ ही देखो, अपने देश में ही हम देख लेते हैं। तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, बैधक आदि भरे हुए हैं। हमारे यहाँ धर्म की आड़ में अभी बताए कि जो तुलसी का पौधा है, यदि धर्म से जोड़ा गया होता तो शायद किसी के आंगन में नहीं दिखता, और हर तरह से एक गुणकारी औषधि भी उसे माना जाता है। तो धर्म से जोड़ करके और उसे हमने उसे गुणकारी बना दिया। कोई सामाजिक संगठन है, यदि उसे धर्म से जोड़ दिया जाता है तो उसमें जो भी नीति लागू होती है उसे लोग अल्लाह की, अल्लाह कहीं हमें बद्दुआ ना दे दें, भगवान कभी हमें श्राप ना दे दें, ये सोच करके इस डर से लोग उस बात को मानते हैं। इसमें गद्यांश है, सॉरी प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो जो ऊपर बताया गया है, गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम वही हो जाएगा
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी जो मैंने व्याख्या बताया, मैंने पूरे का व्याख्या बताया है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या लिख भी दी गई है। लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है, तो धर्म को बताया है। अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण था, तो धर्म नीति और राजनीति था। भारतवासियों को सबसे पहले किसकी उन्नति करनी उचित है, तो धर्म की उन्नति करनी उचित है। अगला देख लेते हैं। एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कि एक बेफिक्रा, यानी जिस इंसान को किसी तरह की फिक्र नहीं थी, ये कहने का फिक्र नहीं था कि हम दूसरे का कपड़ा मांगकर पहन रहे हैं और महफिल में, यानी किसी सभा में या किसी पार्टी में जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे, उनका इस बात से कोई मतलब नहीं था। ये व्यंग किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, क्या किया है, व्यंग किया है। और कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगी तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही हैं, मूठे ही हैं। कर मैंने जब लोगों ने पहचाना, जैसे अभी जब हमारे देश में दूसरे देशों का सामान आता है तो हम बोलते हैं ना कि ये अमेरिकन है, ये जापानी है, ये चीन का है, ये अरब का है। तो उसी प्रकार से जब पहचान करके इंसान ने कहा कि अरे आपका जो अंगी है, यानी जो आप कुर्ता पहने हुए, वो दूसरे का है, टोपी भी दूसरे की है, तो उन्हें इस बात पे लज्जा नहीं महसूस हुई। वो हंस करके क्या बोलते हैं कि अरे मूछे तो मेरी अपनी है ना। उन्हें अफसोस नहीं हुआ कि जो चीज़ हम आसानी से बना सकते हैं, अपने देश में उसका विकास कर सकते हैं, तो हम क्यों दूसरे देश से उस चीज़ को ले। अभी चाइना का जो बहुत सारा सामान मेरे यहाँ बैन लगा है उस पर, वो सामान अब अपने देशों में बन रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या चाहते थे कि आसानी से जो चीज़ मिल जाए वही सबसे बढ़िया है, मुझे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए किसी तरह का अफसोस भी नहीं है, किसी तरह का ये नहीं है कि हाँ मुझे लज्जा महसूस हो रही है कि अरे मैंने दूसरे के देश का सामान उपयोग कर रहा है, अपने देश में क्यों नहीं बना लिया। कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भाइयों अब तो नींद से चौंको, हे मेरे भाई बंधुओं अब भी तुम नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। हर तरह से हर विभाग में उन्नति कर सकते हैं। कोई भी छोटी से छोटी वस्तु है उसका निर्माण, बड़ी से बड़ी वस्तु का हम निर्माण अपने देश में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो भी अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे वैज्ञानिक हैं, अपने देश के होते हुए भी दूसरे देश में जा करके क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ संसाधन कम है, पैसे की कमी है, और पैसे की लालच में आकर के दूसरे देश जाते हैं और वहाँ जा करके और उसी चीज़ की जब खोज करते हैं तो वो क्या कहा जाता है कि ये तो अमेरिका से बन के आया है, ये तो फला जगह से बन करके आया है। लेकिन बनाने वाला कौन होता है, भारतीय होता है। फिर भी लोगों की समझ में ये बात नहीं आती। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, जिस तरह से तुम्हारा भला हो उस किताब को ही पढ़ करके तुम उससे ज्ञान प्राप्त करो। जैसा खेल है, जिस खेल से तुम आगे बढ़ सको उसी खेल को खेलो और वही बातचीत करो। अनर्गल बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वही बातचीत करो जिससे समाज की उन्नति हो, हमारे देश की उन्नति हो और हमारे बच्चों की उन्नति हो, हमारे दिमाग की उन्नति हो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। इन्होंने अंग्रेजी पे व्यंग करते हुए कहा है कि परदेसी वस्तु, यानी जो भी परदेश की वस्तुएं, अभी चाइना का जो भी सामान है भले ख़राब हो जाता था लेकिन हम लोग क्या करते थे, उसका बहुत ही उपयोग करते थे, लेकिन अभी बैन हो गया तो हमारी अपनी ही वस्तुएं, अपने देश की ही वस्तुएं काम आ रही हैं, टिकाऊ भी हैं। परदेसी भाषा यानी जो अंग्रेजी भाषा है, आजकल घर में अंग्रेजी बोलना फैशन हो गया है, जब बच्चे अंग्रेजी के दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो माता पिता को भी बहुत खुशी होती है कि हमारा बच्चा तो अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जब बच्चा न अंग्रेजी ही सीख पाता है और न ही हिंदी ही सीख पाता है।
तो हिंदी पढ़ने और पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, और ये नहीं है कि हम हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं आता, और अंग्रेजी मीडियम में है तो बहुत कुछ आता है, क्योंकि आगे चल करके जो भी IAS PCS बनते हैं, चाहे आज तक बने हैं, जो भी अच्छे अच्छे पदों पे पहुँचे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले ही जाते हैं। बहुत कम परसेंटेज रहता है इंग्लिश मीडियम वालों का। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। अपना जब देश है, हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ की भाषा क्या है, हिंदी है, तो उस हिंदी में ही उन्नति करो, उस हिंदी को ही आगे बढ़ाओ। इसमें है उपयुक्त गद्यांश में पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश का पाठ हो जाएगा भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, और लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी व्याख्या जो मैंने बताया, सारी चीजें मांगी होने पर महाशय ने हंसकर अमुक व्यक्ति को क्या जवाब दिया? तो अमुक व्यक्ति को अपना लज्जा छिपाने के लिए कहा, अरे मूछे तो मेरी ही है। लेखक ने किस बात का अफसोस व्यक्त किया? लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि अपने काम की वस्तु हम बना सकते हैं, फिर भी हम दूसरे पर निर्भर हैं। लेखक ने भारतीयों में किस भावना को विकसित करने पर बल दिया? तो लेखक ने भारतीयों में कल्याणकारी भावना और अपने देश की भाषा को उन्नति करने पर बल दिया। थैंक यू बच्चियों, आज के लिए बस इतना ही।